हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक। आई एम अ प्रोफेशनल फाइन आर्ट पेंटर। आज मैं एक वाटर कलर पेंटिंग का डेमोंस्ट्रेशन देने वाला हूँ और सब्जेक्ट है एक बर्ड। और बर्ड्स काफ़ी अच्छी बनती हैं स्प्लैशेज वाले स्टाइल में, क्योंकि उनके फेदर्स का जो टेक्सचर होता है और उनके साथ जो एक मूवमेंट जुड़ा हुआ है, वो मूवमेंट स्प्लैशेज में बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे होता है। और आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो है वो एक्चुअल स्पीड से 4 times स्पीड पर प्ले हो रहा है, तो डेमोंस्ट्रेशन के वक्त उसका ध्यान रखें। अभी मैं एक ड्राइंग बना रहा हूँ और ड्राइंग जल्दी से कंप्लीट करके और फिर स्प्लैशेज वाले स्टाइल में जो वाटर कलर पेंटिंग है, मैं उसका डेमोंस्ट्रेशन दूंगा कि कैसे क्या मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। मेरी ये रिक्वेस्ट है अपने व्यूअर्स से कि जिनको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी ऑफ करें ताकि वो कोई मेरा वीडियो मिस ना करें, और अपने दोस्तों और दूसरे आर्ट लवर्स के साथ भी जरूर शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर दें, कमेंट करें। जैसा कि मैं अपने हर डेमोंस्ट्रेशन में बताता हूँ कि पहले हमें लाइट टोन में एक बेस फॉर्म तैयार कर देना चाहिए, उसके बाद मिडिल से लेकर डार्क टोन तक हम स्प्लैशेस में अप्लाई करेंगे। और यहाँ मैं क्योंकि वार्म कलर टेम्परेचर चाहता हूँ, इसलिए मैंने लेमन येलो का बेस टोन लगाया है और उसके बाद कुछ अलग अलग टोनल वेरिएशन दूंगा मिडिल टोन तक, जो सॉफ्ट लूजली मर्ज होते हुए कुछ पैचेस होंगे जो एक बेस को तैयार करेंगे मेरे सब्जेक्ट के। और उसके बाद मैं मिडिल टोन से लेकर डार्क टोन तक के अलग अलग रिक्वायर्ड कलर्स में स्प्लैशेस दूंगा।
सब्जेक्ट को पूरी तरह से स्पेशल से ही कवर नहीं करना है। सब्जेक्ट का कोई कोई पार्ट हो सकता है, हमें एक रेगुलर स्टाइल में डिटेलिंग वर्क ही देना पड़े ताकि वो कुछ प्रेजेंटेबल हो। जैसे कि इस पार्ट की आँख और बीक को मैं थोड़ा रेगुलर स्टाइल से ही डिटेलिंग दे रहा हूँ ताकि ये एक रिप्रेजेंटेबल एक रिजेंबलिंग एक फॉर्म और शेप बन पाए। और बाकी जो फेदर्स हैं वहाँ तो टोनल वेरिएशन स्प्लैशेस नहीं होंगे, और स्प्लैशेस भी सारे एक तरह के नहीं होंगे। वो अलग अलग एंगल से अलग अलग कलर अलग अलग पानी और पिगमेंट के रेशियो के साथ होंगे। और हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर हमने लेयरिंग के लिए अगर हमने पहले लाइट टोन से कुछ हमने स्प्लैशेस दिए हैं तो हमें कितना रुकना है, कितनी देर उसे सूखने देना है या फिर कितना उसे वेट ऑन वेट ही स्प्लैशेस दे देने हैं, इसका भी हमें प्रैक्टिस करके ही एक्सपीरियंस लेना है कि हम कैसा इफेक्ट चाहते हैं। और हम फिर हम वेट ऑन वेट करेंगे या फिर ड्राई होने के बाद ही हम एक फिर से स्प्लैशेस डार्क टोन में लगाएंगे। ओके, तो इस पेंटिंग को कंप्लीट मानकर मैं यहीं काम रोकता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल भी ऑप्ट करें ताकि आप कोई भी मेरा वीडियो मिस ना कर दें। अपने दोस्तों और दूसरे आर्ट लवर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या और चाहते हैं, किसी और सब्जेक्ट के ऊपर आप डेमोन्स्ट्रेशन चाहते हैं तो प्लीज़ वो बताएँ। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। I am Abhishek. See you soon.